हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पोस्ट का जो नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, इस पोस्ट का नाम है और आज से इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वाला बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको जो है डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून 2022 को जो है वैकेंसी पब्लिश किया गया है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके जो है फुल नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले बताते हैं फ्रेंड्स कि ये वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया, किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन का पोर्टल है, और मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका फुल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इसका जो पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट जिसको बोला जाता है। इसकी सैलरी की बात करें जाए तो 35,400 यहाँ पे सैलरी बताया गया, बेसिक पे सैलरी है। और मैक्सिमम जो सैलरी यहाँ पे बोला गया 63,068 रुपए आपको जो यहाँ पे HRA कम्स टू ये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी। नंबर वैकेंसी की बात करें तो 210 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ बोला गया है कि बैचलर डिग्री आप पास हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यानी किसी भी विषय, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आप किए हुए हैं बैचलर डिग्री, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको जो है 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी आनी चाहिए इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में टाइपिंग बोला गया है ऑन कंप्यूटर। और साथ ही साथ आपको जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यानी जो है कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात की जाए, एज रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम आपका 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष आपका एज काउंट करा जाएगा 1 जुलाई 2022 तक। अगर आप 1 जुलाई 2022 तक जो है मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बीच आते हैं तो आप यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है जो यूजुअली मिलता है एससी एसटी ओबीसी विकलांग को, एक्स सर्विसमैन को, वो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ रूल्स के अनुसार यहाँ पे आपको अपर एज में छूट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, मतलब जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं उनके जो सन या डॉटर हैं उनको जो अपर एज में छूट नहीं मिलेगा, मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को। रिजर्वेशन बोला गया फ्रेंड्स की एससी एसटी और जो भी विकलांग लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग, वो रिजर्वेशन उनको मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के, मतलब जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें जो है आपको कितने तरह के एग्जाम अपियर करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चंस, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेंगे, 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल आपको जो है 100 क्वेश्चन यहां से सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको 25 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर नॉलेज के सॉल्व करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज होते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी आपसे जो है पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन। और 2 घंटे आपको समय मिलेंगे यानी 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे में। इसमें जो है आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे 1/4 का। इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पे, जो कि 3% आपका मिस्टेक अलाउ है। 10 मिनट का समय मिलेगा आपको, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है 10 मिनट। इसके बाद आपको जो है 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो ये 4 स्टेज है फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन का, आप यहाँ पे देखेंगे। एक चीज और यहाँ पे समझेंगे, 1, 2, 3, ये तीनों जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस एक ही दिन होगा, यानी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके वजह से कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट, इसके वजह से टाइपिंग, ये तीनों चीज जो है एक ही दिन आपका कंडक्ट करे जाएंगे। चौथा जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो अगले दिन इसके लिए अलग से जो है आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, यानी उसी दिन कंडक्ट करे जाएंगे जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसी दिन आपका टाइपिंग भी होगा इंग्लिश वाला, तो यहाँ पे जो है अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एज अप्रूव्ड क्राइटेरिया कट ऑफ रिटन टेस्ट, मतलब जो रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये सब जो क्वालिफाई कर जाएगा उनको जो है इंटरव्यू अपियर करना होगा। तो जो 5वां स्टेज है वो आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू भी आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जानकारी बताएगी एप्लीकेशन फी के बारे में, कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन फी, एप्लीकेशन फी क्या है फॉर्म फिल करने के लिए। तो एप्लीकेशन फी बोला गया है कि आपका जो है, देख सकते हैं यहाँ पे,
नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन टेस्ट फी 500 रुपया है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को, 250 रुपये आपको यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी एक्स सर्विस मैन फिजिकली विकलांग जो है उनके लिए, प्लस फ्रीडम फाइटर के लिए जो है 250 रुपये आपको एप्लीकेशन फी देना होगा। ये इसका जो है डेट है आपका कब से कब तक फॉर्म फिलअप होंगे, तो 18/6 आज से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और यहाँ पे आप 10/7/2022 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। यहाँ पे बोला गया फ्रेंड्स की आप जो है जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है जनरल इंस्ट्रक्शन में। फोटोग्राफ आपको बताया गया है कि फोटोग्राफ जो है आपका रिक्वायर्ड अपलोड करने के लिए, यहाँ पे जो है हाइट विड्थ बताया गया है, मैक्सिमम साइज 50 के भी बोला गया है, जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर भी यहाँ पे बोला गया है, विड्थ और हाइट मैक्सिमम साइज 50 के भी और यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो फ्रेंड्स कुछ ही देर बाद मैं आपको जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जो है वीडियो ला दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, आज ही के डेट में वीडियो ला दूंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया हूँ नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, और आपको ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफी कमाल की वैकेंसी फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमानेंट वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है बहुत ही लॉन्ग समय बाद आई हुई है। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आई थी 2017-18 के आसपास, देख रहे हैं यहाँ पे 2017 में जो है यहाँ पे ये लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कराए थे, ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के बाद ये वैकेंसी निकल के आई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।